आप देख रहे हैं अब तक न्यूज इंडिया, जो आपको रखे आगे। शिरपुर का देवी का जो रथ आता है वो कितने वर्षों से आ रहा है? शिरपुर से जब ये रथ की यात्रा शुरू हुई, ये 28 साल की ये परंपरा अखंडित चल रही है और इस साल भी 2024 चैत्र उत्सव के लिए रथ की तैयारी चल रही है। इसके लिए हम आज पुलिस प्रशासन, मालेगांव के सब वरिष्ठ अधिकारी, पत्रकार बांधव एक मीटिंग की है और जो आने वाली यात्रा है, गढ़ का रथ आने वाला है, इसका एक मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट के साथ मिलकर और जो वरिष्ठ पत्रकार है, जो मालेगांव के सुन्न नागरिक है, मालेगांव की शांतता और मालेगांव का जो कई आने वाला समय है, इसका विचार करके जो प्लानिंग किया गया है, चालीसगांव फाटे से लेकर शिव तीर्थ तक आने का टाइमिंग फिक्स किया गया है और आगे शिव तीर्थ से जो कोई भाविक दर्शन के लिए आते हैं, सब मालेगांव के लाखों की संख्या में मालेगांवकर, उनको शिव तीर्थ से स्वागत के लिए हमने आपके माध्यम से एक विनंती करते हैं कि सबने शिव तीर्थ से अपने शिवपुर का रथ का स्वागत करना चाहिए और वहां से आगे नाबाड़ी तक अच्छी तरह से यात्रा निकलनी चाहिए, जिसका हर एक मालेगांवकर, हर एक भाविक ने सहकार्य करना चाहिए। इसके लिए हम सबके लिए और सबकी वजह से तरफ से विनंती करते हैं। इतने वर्षों से ये रथ आ रहा है लेकिन अभी तक कभी आपको मालेगांव आना नहीं पड़ा, इतने लोगों से मिलना नहीं पड़ा, इतनी तैयारी नहीं करना पड़ी, इस बार इतनी तैयारी और इतना मेल जोल करने का कारण क्या? ये आने का कारण ऐसा, ये 2 साल से जो एक मालेगांव का जो वातावरण में रथ यात्रा में जो भाविक आने लगे हैं, इसके 2 साल पहले एक छोटा सा, कभी नहीं होता ऐसा, एक्सीडेंट हुआ और वो उसकी वजह से कुछ सिरपुर का डीजे था उस पर पत्थरबाजी का जो मसला हुआ उस पे से फिर भाई सिरपुर के रथ के लिए सब कुछ लोग, हर एक भाविक मानता है, श्रद्धा भावना से उनको स्वागत करता है। तो ऐसी घटना रथ पे ना हुए, इसके लिए सब जो भाविक है, माता के भक्त, ये चालीसगांव फाटे से लेकर तो पूरा मालेगांव पास करने तक लाखों की संख्या में रथ के स्वागत के लिए आते थे, पर ये हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ये 2 साल बीत गए। अभी फिर से जो पहली प्रथा थी, जब रथ आता था और लोग शिव तीर्थ के आगे ही दर्शन को आते थे, इसके लिए हमने एक पहल किया कि भाई सब भाविक जो भी है तो अभी चालीसगांव फाटे से ना आवे, सीधा शिव तीर्थ से अपन अपनी यात्रा आगे बढ़ावे और अच्छी तरह से एक मालेगांव की शांतता प्रस्थापित रहे और अपना आनंद अपन अपने जो कुछ शिव तीर्थ से आगे ले सके, इसके लिए हम सबसे मिलकर यात्रा को ये गालबोट ना लगे, ये यात्रा को अच्छी तरह से सुरक्षित सबकी जिम्मेदारी की लेकर यात्रा पर अच्छी तरह से आगे चले, इसके लिए हम हर एक को मिलकर विश्वास में लेकर ये सब जो प्रशासन ने हमको शेड्यूल दिया है, ये प्रशासन का जो अभी इलेक्शन के मतदान की वजह से जो कोई आचार संहिता भी चल रही है, इसकी वजह से जो भी कुछ सबको किसी को दिक्कत ना आवे, इसके लिए हम हर एक से मिलकर यात्रा का शेड्यूल बना रहे। क्या आह्वान करना चाहेंगे भक्तों को? कुछ लोग की ये मानसिकता अभी भी सेट है कि वो 40 गांव फाटे पर ही जाने वाले हैं। मैं तो ऐसा बोलता हूँ, जो हो गया सो हो गया, आगे से जो पहली प्रथा चल रही है अपना रथ सुखरूप रीत्या, कभी भी मालेगांव में ऐसी घटना घड़ी नहीं 2 साल के पहले, तो एक छोटा सा एक्सीडेंट बोल के अपन भूल जाना चाहिए। और जो पहले से शिव तीर्थ से सब लोग रथ का स्वागत करते थे, तो अभी भी इस साल से अपन शिव तीर्थ से सबने आना है और रथ का अच्छी तरह से स्वागत करना है, जल्लोष से बाजे गाजे के साथ आगे रथ को माता जी के दरबार में पहुंचाना है। यही मैं सबको मन से, दिल से एक विनंती और एक उनको संदेशा देना चाहता हूँ।